एरेज में हमारे पास दो टाइप्स के मेथड होते हैं। पहले जो हमारी ओरिजिनल एरे में ही कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, और दूसरे जो उस एरे से कोई नई वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब ये वैल्यू स्ट्रिंग, नंबर या बिल्कुल एक नई एरे भी हो सकती है। तो ये मेथड्स तो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में कर लिए हैं, हम सभी मेथड्स का लास्ट में रिकैप कर लेंगे, तो बाकी बचे मेथड्स देखते हैं। तो यह नम्स नाम की एक एरे जिसको हमने टू स्ट्रिंग मेथड से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मेथड बीच में ही ऐसे कोमे अपने आप लगा देता है, लेकिन अगर हमें कोमे की जगह और कुछ चाहिए तो क्या करें, तो हम यूज़ कर सकते हैं जॉइन मेथड का। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी एलिमेंट्स के बीच में कोमे लगा रहा है, लेकिन इसके अंदर हम कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो हमें एलिमेंट्स के बीच में चाहिए। जैसे हाइफन लगा देंगे तो हाइफन आ जाएगा, दो हाइफन चाहिए तो वो लगा दो। अब मान लो हमें चेक करना है कि कोई भी वैल्यू एरे के अंदर है या नहीं, तो हम यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड्स मेथड का। ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो ये वैल्यू हमारी प्रेजेंट है इसलिए हमारा आ गया है ट्रू, और जो वैल्यू नहीं है वो देंगे तो आ जाएगा फॉल्स। अब ये है हमारे पास जैसे एक नेस्टेड एरे जिसके अंदर और एरेज हैं। अब मान लो इसकी हमें एक सिंपल एरे बनानी है जिसके अंदर हमारे सभी नॉर्मल एलिमेंट्स और नेस्टेड एलिमेंट्स एक साथ आ जाएं, तो हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैट मेथड का। तो ये मेथड एक नई एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमारे सभी एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे। अब इस एरे की और थोड़ी खिचड़ी बनाते हैं, तो इस अंदर वाली एरे के अंदर एक और एरे बना दो। अब ये मेथड काम नहीं कर रहा अच्छे से क्योंकि ये सिर्फ एक लेवल डीप तक जाता है। तो ये बाहर वाली एरे तो इसने खोल दी लेकिन ये अंदर वाली एरे नहीं खोली। तो इस मेथड के अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं कि हमें कितने लेवल डीप तक एरे खोलनी है, तो यहाँ पे दे देंगे दो। अब ये मेथड अच्छे से काम करेगा। अब लास्ट वीडियो में हमने हाई ऑर्डर फंक्शन सीखे थे, तो ऐसे ही एरेज में बहुत सारे मेथड्स हाई ऑर्डर मेथड्स हैं। अब बहुत बार हमें एक एरे के सभी आइटम्स पे लूप करके नई वैल्यूज़ एक नई एरे में स्टोर करानी होती हैं। जैसे हमारे पास एक प्राइजेस के एरे है जिसमें सभी प्राइजेस डॉलर में हैं, इससे हमें एक नई एरे बनानी है जिसमें सभी प्राइजेस रुपीज़ में हों। तो इस एरे पे हम पहले फोर लूप लगा सकते हैं और फिर नई एरे में एक एक करके हम नया प्राइस पुश कराते जाएंगे। पर ये काम हम और आसानी से कर सकते हैं मैप मेथड से। तो ये मेथड रिटर्न करता है एक नई एरे जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो रिजल्ट नाम का एक कॉन्स्टेंट बना लेंगे। अब ये मेथड एक्सेप्ट करता है एक कॉल बैक फंक्शन, तो एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। अब ये हाई ऑर्डर मेथड मैप है, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर तीन चीज़ें पास करता है जिसको हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो एक एक करके ये आइटम को पास करेगा, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका कुछ भी नाम दे दो जैसे नम। अब इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो हमारे सभी आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। इस रिजल्ट को प्रिंट करा के देखते हैं तो इसमें एलिमेंट्स हमारे अनडिफाइंड आ रहे हैं क्योंकि हमने कॉल बैक मेथड से कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है। तो इस मेथड के अंदर से जो भी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे वो एक एक करके एरे में स्टोर होती जाएगी। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आइटम को हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कर देंगे रिटर्न। तो अगर आपको एरे के आइटम्स पर सिंपल लूप करना है तो आप बिना रिटर्न कराए भी मैप का यूज़ कर सकते हैं, और एक नई एरे चाहिए तो रिटर्न का यूज़ कर लो। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं आइटम के इंडेक्स को, तो इसका कुछ भी नाम दे दो जैसे आई, और फिर इसको हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट से हम पूरी की पूरी एरे को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम इन पहले दो आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे। अब मान लो एरे में हमारे पास हज़ारों एलिमेंट्स हैं और उनमें से हमें एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो देखते हैं उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। अगर हमें पता है कि एलिमेंट क्या है और उसका हमें इंडेक्स ढूंढना है, तो हम इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ करते थे। अब मान लो हमें कोई भी एलिमेंट किसी कंडीशन के बेस पे ढूंढना है कि वो एलिमेंट तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे फाइंड इंडेक्स मेथड का। ये भी एक्सेप्ट करता है कॉल बैक फंक्शन जिसमें हम एरे का आइटम, उसका इंडेक्स और पूरी की पूरी एरे भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ आइटम को एक्सेस करते हैं। अब ये फाइंड इंडेक्स मेथड इस कॉल बैक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को चेक करेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर वो ट्रू हुई तो जिस एलिमेंट पे हम उस वक्त हैं उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा,
तो मान लो हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 20 से बड़ा हो, तो रिटर्न के आगे ही एलिमेंट को कंपेयर करा के देख लेंगे। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, हमारा उस एलिमेंट का इंडेक्स रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे 156 का इंडेक्स है 1, वो हमारा रिटर्न हो गया। अब ये बात याद रखना कि जो ये मेथड है, ये बस फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, फिर आगे किसी भी एलिमेंट्स को ये चेक नहीं करेगा। अब कंडीशन से हमें एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया है, लेकिन मुझे तो सीधा एलिमेंट ही चाहिए, तो फाइंड इंडेक्स में से इंडेक्स हटा दो और बन गया फाइंड मेथड, जो किसी भी कंडीशन के बेस पे फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। अब 20 से बड़े तो मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो हमें तो वो सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए यूज़ कर लो फिल्टर मेथड। तो इसमें भी एलिमेंट्स पर हम कंडीशंस चेक कर सकते हैं और ये रिटर्न करता है एक एरे उन एलिमेंट्स की जो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब मान लो हमें किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नहीं चाहिए, वो एलिमेंट भी नहीं चाहिए और एलिमेंट्स की एरे भी नहीं चाहिए, बस हमें ये जानना है कि एरे में ऐसे एलिमेंट्स है भी या नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सम मेथड। तो एरे में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो 20 से बड़े हैं, हाँ भाई हैं, इसलिए आ गया है ट्रू। 100 से बड़े हैं, हाँ एक है, तो यहाँ भी आ गया है ट्रू। अगर इसको 170 कर देंगे तो आ जाएगा फॉल्स। अब सिमिलर ही एक मेथड होता है एवरी। अगर एरे का हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स। तो सभी एलिमेंट्स तो 95 से बड़े नहीं हैं, इसलिए फॉल्स। इसको अगर नो कर देंगे तो 9 से बड़े सब हैं, तो आ गया है ट्रू। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिड्यूस, जिससे हम एरे की वैल्यूज़ का निचोड़ निकाल सकते हैं। मान लो हमें एरे की सभी वैल्यूज़ आपस में जोड़नी है, तो इस मेथड के कॉल बैक फंक्शन में हम एक और आर्ग्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर को। तो पहले यही रहेगा, उसके बाद हमारा एरे का एलिमेंट और फिर इंडेक्स। अब रिटर्न में हमें एक्यूमुलेटर को अपडेट करके भेजना होगा, तो इसमें नम को ऐड करते जाएंगे। लास्ट में एक्यूमुलेटर हमारा रिजल्ट में स्टोर हो गया है और हमारा आंसर आ गया है 197। तो इस एक्यूमुलेटर को प्रिंट करा के देखते हैं। तो स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी 10, एरे का जो पहला आइटम था, फिर उसमें 156 ऐड हुआ, फिर 31 ऐड हुआ। तो एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस कॉल बैक फंक्शन के आगे कॉमा लगाओ और यहाँ पर हम एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे 100। अब 100 में हमारे एक एकड़ के एलिमेंट जुड़ेंगे। अब एरे को सॉर्ट करना सीखते हैं। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग्स की एरे है तो उसको सॉर्ट करना बहुत आसान है, बस यूज़ करो सॉर्ट मेथड का। तो ये एरे को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करके उसी एरे में चेंज कर देगा। लेकिन अगर इस सॉर्ट मेथड को हम नंबर्स पे लगाएंगे तो ये कुछ अजीब सा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये मेथड एलिमेंट्स को स्ट्रिंग समझता है, तो इन एलिमेंट्स को इसने स्ट्रिंग समझ के सॉर्ट कर दिया है। तो इसका सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं। इसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, पहले नेक्स्ट वैल्यू और फिर करंट वैल्यू। तो इस मेथड में हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करा के देख सकते हैं। और बस ये चीज़ याद रखो, अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वे एलिमेंट्स स्वैप हो जाएंगे, नहीं तो एज इट इज़ रहेंगे। तो अगर नेक्स्ट वैल्यू करंट वैल्यू से बड़ी हुई तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, इसलिए हम रिटर्न कर देंगे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, और एल्स में रिटर्न कर देंगे कोई भी नेगेटिव वैल्यू। तो ये नंबर एरे हमारी हो गई है सॉर्ट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको डिसेंडिंग में करना है तो ये बस साइन चेंज कर दो। इसको लिखने का और छोटा तरीका है, हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट माइनस करंट। तो जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है अगर वो बड़ी होगी, जैसे ये 156 बड़ा है 10 से, तो एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में कोई स्वैप नहीं होगा। और नेक्स्ट वैल्यू अगर छोटी होगी तो नेगेटिव नंबर रिटर्न हो जाएगा। अब इस फंक्शन में सिर्फ एक रिटर्न वाली लाइन है, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट हटा के और रिटर्न भी हटा सकते हैं, तो ये भी सेम ही काम करेगा। अब लास्ट मेथड है हमारे पास फॉर ईच लूप। तो ये एक सिंपल लूप है जो एरे की वैल्यूज पर लूप करेगा लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो इसमें भी हमें एलिमेंट मिल जाएगा, उसका इंडेक्स मिल जाएगा और एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारा फोर लूप होता है और ये फोर ईच लूप है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है, इस फोर ईच लूप के अंदर हम कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते।
अब इन सभी मेथड्स को एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। कोई न्यू एलिमेंट एरे के लास्ट में ऐड करने के लिए पुश मेथड, लास्ट का एलिमेंट हटाने के लिए पोक, कोई भी एलिमेंट स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए अनशिफ्ट, स्टार्टिंग का एलिमेंट हटाने के लिए शिफ्ट, एरे से मल्टीपल एलिमेंट्स हटाने के लिए स्प्लाइस, एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स करना है तो रिवर्स, एरे में सेम वैल्यू मल्टीपल प्लेसेस पर डालने के लिए फिल, एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सॉर्ट मेथड। अब देखते हैं मेथड्स जो न्यू वैल्यू रिटर्न करते हैं, हमारी मेन एरे को चेंज नहीं करते। कोई एलिमेंट चेक करना हो एरे में है या नहीं तो इंक्लूड्स मेथड, कोई भी एलिमेंट चेक करना हो कि वो कौन से इंडेक्स पर है तो इंडेक्स ऑफ मेथड, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो जॉइन, अगर दो एरेज ऐड करनी है तो कॉन्केट, एरे के हर एलिमेंट पर लूप करके उनका निचोड़ निकालना है तो रिड्यूस, लूप करके किसी कंडीशन के बेस पे एलिमेंट्स को फिल्टर करना है तो फिल्टर मेथड, लूप में हर एलिमेंट पर कुछ कैलकुलेशन करके न्यू एरे रिटर्न करनी है तो मैप मेथड। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।